बदायू केस का तीसरा आरोपी कौन है जिसकी न तस्वीर है न नाम सामने आया? 72 हूरों के चक्कर में सनकी बना साजिद या जावेद की बच्चों सिद्धि को दुश्मनी? आधे घंटे का वो मंजर नहीं भूला पूरा बदायूं, जब हंसते खेलते घर पर टूटा पहाड़। तारीख थी 19 मार्च 2023, जगह बदायूं की बाबा कॉलोनी, वक्त करीब 8 बजे। सैलून चलाने वाले दो लड़के एक परिचित महिला के घर पहुंचते। साजिद कहता है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, 5,000 रुपए दे दीजिए। महिला अपने पति को फोन लगाकर पूछती है और पैसे दे देती है। तभी चाय के लिए पूछती है और वो जैसे ही चाय बनाने किचन में जाती है, साजिद और जावेद दोनों बच्चों को लेकर ब्यूटी पार्लर देखने के नाम पर मकान की ऊपरी मंजिल पर चले जाते हैं। वहाँ दोनों बच्चों के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी आवाज नीचे तक आती है। एक और बच्चा भाग कर जाता है और वो उसे दबोचने की कोशिश करते हैं। तभी वो किसी तरह जान बचाकर भाग जाता है। दोनों ये कहते हुए घर से बाहर निकलते हैं कि आज का काम हो गया। बड़ी बात ये थी कि इनकी ना तो उस परिवार से दुश्मनी थी, न बच्चों ने इन्हें कभी कुछ कहा था, बल्कि एक बच्चा तो अभी भी इन्हें सैलून वाला भैया ही कहता है, जिसे सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। पुलिस भी इस केस की जांच करते हुए भावुक और गुस्सा दोनों हो गए। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद ही ढेर कर दिया, जबकि एक अब भी फरार है। हालांकि ये वाली कहानी वो है जो घर वालों ने पुलिस को बताई है, लेकिन इस केस में एक नई थ्योरी और हो सकती है जिस पर पुलिस को काम करना चाहिए। आखिर दो लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत किसने भरी कि जो वो इतना बड़ी करतूत करने के लिए तैयार हो गए? क्या बदायूं शहर में ऐसे लोगों का माइंड वॉश करने वाला कोई बैठा है, या फिर फोन या लैपटॉप के जरिए इनके दिमाग में ये भरा जा रहा था कि रमजान के महीने में अगर ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास पहुंच जाओगे? क्योंकि चर्चा तो यही है कि जैसे कसाब ने मुंबई में किया, वही वाला मकसद इनका भी था। अगर ऐसा था तो फिर वो तीसरा कौन है जिसने इन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया, या फिर इनके अंदर कितनी बातें भरी, इसका पता भी पुलिस को लगाना होगा। और ये तभी पता चल पाएगा जब जावेद की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि साजिद को तो पुलिस ने पकड़ने से पहले ही ऊपर पहुंचा दिया और लोग कहने लगे कि योगी राज में कुछ ही घंटों में न्याय मिल गया। पर कोई भी न्याय तब तक अधूरा रहता है जब तक आरोपियों के मकसद का पता नहीं लगा लिया जाता। इनका मकसद क्या था ये स्पष्ट तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस की जांच अभी चल रही है और हर एंगल पर मामले की तलाश जारी है। और FIR में भी दो ही लोगों के नाम है, क्योंकि दो ही लोग वहां मौजूद थे। पर क्या इसमें तीसरे किसी अज्ञात का नाम भी होना चाहिए था? ये सवाल बड़ा है। आधे घंटे के भीतर एक हंसते खेलते परिवार पर जिस तरह का पहाड़ टूटा है, वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, और इसकी प्लानिंग अचानक से नहीं बन सकती। आपको क्या लगता है, साजिद और जावेद ने अपना सैलून बंद किया और ये सोचा कि चलो आज सामने वाले के घर में चलते और ऐसा करते? नहीं, इसकी संभावना काफी कम दिखाई देती है। जहां ये घटना हुई है वहां पर एक नई थ्योरी और चल रही है। साजिद की दादी का कहना है कि जो किया होगा वो साजिद ने किया होगा, जावेद बेकसूर है। साजिद पर ऊपरी हवा का असर था, जावेद तो उस समय घर पर था। मगरिब के अजान के बाद उसको घटना का पता चला और वो डर की वजह से भाग गया। साजिद काफी गुस्सा स्वभाव का था और उसके ऊपर कोई ऊपरी हवा का असर था। लेकिन जावेद के पिता का कहना है कि मुझे अपने बेटे के जाने से ज्यादा दुख उन छोटे बच्चों के जाने का है, उनकी कोई गलती नहीं थी। और सवाल यही है कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। आजकल शहर हो या गांव, थोड़ी सी जान पहचान के बाद लोगों को बेडरूम में बुलाकर बिठाने का रिवाज चल गया है, तो इससे बचिए। कोई बुरा माने तो मानने दीजिए, कम से कम अपने घर के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद रखिए जिनसे आपको थोड़ी भी दिक्कत महसूस हो रही हो, क्योंकि आपके घर में घुसकर ही आपके साथ कोई क्या कर जाएगा इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा पाएंगे। बदायूं वाली घटना पूरे समाज के लिए एक सबक की तरह है। जो कहते हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, उन्हें हकीकत को समझना होगा। कुछ लोगों की गलती की वजह से सबको तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, पर इतना जरूर है कि खुद की सुरक्षा खुद को सतर्क रहकर ही की जा सकती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।